हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और किस प्रकार से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने ये जरूर सीखा होगा कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होगा तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जैसे कि अभी तक हमने लेजर्स सीखे हैं और हमने देखा है कि लेजर्स किस तरीके से बनाते हैं, तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि लेजर का या तो डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है। यदि कोई बैलेंस है तो या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो ये जितने भी बैलेंसेस हैं लेजर्स के, उनको एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं, एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में जो भी हमारे लेजर्स के बैलेंसेस हैं उनको रखा जाता है। उनको किस तरह से रखा जाता है ये आपको बनना चाहिए। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आपको एक लिस्ट दे दी जाती है बैलेंसेस की, वहां पे आपको बताया नहीं जाता है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। वहां पे आपको दिमाग लगाना है कि इसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि अगर वो भी बता देते हैं तो फिर और कुछ करने को रह नहीं जाता है, फिर तो ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ज्यादा कुछ भी नहीं है। 90% आपका काम यहीं पे हो जाता है यदि आपको मालूम है कि किसका क्या बैलेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस किस का डेबिट बैलेंस होता है। आपको बैलेंसेस की लिस्ट दी होगी, है ना, लेजर्स, जितने भी लेजर्स हैं। तो डेबिट बैलेंसेस किसके होंगे, देखिए सबसे पहले जो भी एसेट्स हैं इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। अब एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? अरे भाई, एसेट्स आपके हो सकते हैं फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, कैश है। यदि बैंक में कुछ डेबिट बैलेंस है, बैंक में यदि कुछ पैसे हैं तो ये भी आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा प्रीपेड अगर आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो वो क्या है, वो एसेट है। प्रीपेड शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है या अक्रूड शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है किसी अकाउंट में, ठीक है, या एडवांस, पेड इन एडवांस, हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो वो भी क्या है, एसेट है। उसी प्रकार से डेटर है, वो भी क्या है, एसेट है। गुडविल है, एसेट है। पेटेंट है, एसेट है, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं प्रीपेड सैलरी क्या है, एसेट है। प्रीपेड वेजेस एसेट है। अक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, ठीक है। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, किसी को एडवांस दिया है, ये सब एसेट है। उसके बाद डेबिट बैलेंस किसका होता है, उसके बाद होता है एक्सपेंसेस का। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है, सैलरी है, वेजेस है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड है। इसके अलावा आ जाएगा एडवर्टीजमेंट हो गया, और मान लीजिए कि कमीशन दिया है आपने किसी को तो वो भी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। आपने किसी को रिबेट दिया है तो क्या है, एक्सपेंस है। आपने रेंट दिया है, ठीक है, और बहुत सारे टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सारे जो है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो जो फॉर्मेट रहेगा ट्रायल बैलेंस का, उसमें एक डेबिट बैलेंसेस रहेगा और दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंसेस रहेगा। तो अगर डेबिट बैलेंसेस वाले अकाउंट्स हैं उनको सबको हमें
डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। ये हो गया एसेट्स एक्सपेंसेस। उसके बाद है आपके जैसे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो हैं उनका भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको कहीं भी दिखता है तो उसको आप कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और एक और चीज बता देता हूं, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये सब भी क्या है, ये भी आपका कुल मिला के इनपुट जीएसटी जो है ये भी आपका डेबिट बैलेंस होगा, क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो आप कीजिए कि लेक्चर को पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन करें ताकि फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आ जाइए क्रेडिट बैलेंसेस पे। क्रेडिट बैलेंसेस किसके होंगे, तो सबसे पहले आपकी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या आ जाता है, लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आ जाता है, बिल्स पेबल आ जाता है। इसके अलावा कहीं भी पेबल वर्ड यूज किया हुआ हो, पेबल या आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, या फिर कहीं भी लिखा हो टू बी पेड, उसका वही मतलब है आउटस्टैंडिंग, पेबल आउटस्टैंडिंग टू बी पेड। इसके अलावा रिजर्व्स, ध्यान रखिएगा रिजर्व्स एक्चुअली लायबिलिटी नहीं है, मगर रिजर्व्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं इसको यहां से अलग कर देता हूं, यहां पे अलग से लिख देता हूं रिजर्व्स, इनका भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजंस, प्रोविजंस हम बनाते हैं, हमारा अनुमान रहता है कि हमारा कोई एक्सपेंस होने वाला है या हमारी कोई लायबिलिटी बनने वाली है, उसके लिए हम एक अनुमान लगाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोविजंस। तो प्रोविजंस का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जहां भी आपको लगता है कि पैसा देना बाकी है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर मैं कहूं कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है। ये सब हमारी लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल या पेबल वर्ड लिखाओ, टू बी पेड लिखाओ, आउटस्टैंडिंग लिखाओ, प्रोविजन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो, ये सारे के सारे आपके क्रेडिट बैलेंसेस में आएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा रिजर्व्स, मैंने अभी अभी कहा कि कोई भी रिजर्व अगर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो वो किधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस में आएगा। उसके बाद आ जाइए आप जो तीसरी चीज आती है, दैट इज इनकम। किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम है, जैसे कि मैं कहता हूं सेल्स, ठीक है। दूसरा, जिस प्रकार से परचेज, परचेज उसी प्रकार से परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा है परचेज रिटर्न, तो ये भी हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो ये हो गया। उसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, या फिर रेंट रिसीव्ड, या कह सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब इनकम हो रही है ना। तो यहाँ पे ये हो गया कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट या फिर डिविडेंड, ये जहां पे भी आपको लगता है कि कमाई हो रही है वो किधर आ जाएगा, इनकम में आएगा। और इनकम मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो समझ में आ गया होगा कि डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं और क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको बनना चाहिए, ये मेन पार्ट है। ये बन गया तो फिर ट्रायल बैलेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अभी देखेंगे, हम तीन क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग लेवल के, और आप देखेंगे कि कितना आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन हमको बनेंगे, क्योंकि कुछ करना हो उसके अलावा रहता नहीं है। तो इसको भी आप फटाफट नोट डाउन करें, लेक्चर को पॉज करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका फॉर्मेट।
बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये डेबिट बैलेंसेस हैं, ये उसका अमाउंट आ जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंसेस, ये उसका अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा परचेज, ठीक है, परचेज 10,000, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए क्या आएगा, सेल्स आ जाएगा 15,000, ठीक है। यहाँ पे और क्या आ जाएगा, जो भी है, मतलब जिस जिसके डेबिट बैलेंसेस होंगे वो इधर लिखेंगे, जिनके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे इधर लिखेंगे, और एंड में दोनों साइड का टोटल होता है। जैसे मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, 5,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न, सेल का उल्टा सेल्स रिटर्न, यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 5,000, है ना। यहाँ पे मैंने और क्या लिख दिया, मान लीजिए कैपिटल लिख दिया, ठीक है, 5,000। कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है एक प्रकार की, इंटरनल लायबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाता है, 20,000। उसी प्रकार से यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा, 20,000, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब फॉर्म, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, अब केवल और केवल हमें जो करना है कि देखना है कि किसका डेबिट बैलेंस किसका क्रेडिट बैलेंस, बाकी फॉर्मेट बनाने में तो कुछ है नहीं, आपको खाली लिखना है और टोटल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आपको इन्वॉल्व होना है, मगर आप ये सोचिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आपने बताना है कि इसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए, स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला है फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट, एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, अभी अभी अपन ने लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, सन्ड्री डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, सेल इनकम है, क्रेडिट, परचेजेस एक्सपेंस, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड डेबिट, बैड डेट डेबिट। बस क्या किया, कुछ नहीं, अब यहाँ पे अमाउंट दिया नहीं, यहाँ पे तो आपको खाली बैलेंसेस बताना था, तो अमाउंट जो भी रहता डेबिट साइड में लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, टोटल किया, आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ हमने गलत किया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला है परचेजेस, परचेजेस का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डेबिट, स्टॉक ऑन 1st April 2017, तो हमारा जो देखो यहाँ पे बुक्स कब से बन रही है, 1st April से 31st March 2018, तो ये इसको कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, इसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है, एसेट है, मतलब क्या होगा, डेबिट बैलेंस, सेल इनकम क्रेडिट बैलेंस, डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस, मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस, प्रोविजन, मैंने आपको कहा था प्रोविजन, प्रोविजन रिजर्व, इनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे क्रेडिट, ड्रॉइंग्स बता दीजिए, ड्रॉइंग्स का क्या होगा, ड्रॉइंग्स का आपका मैंने आपको लिखाया था उसमें, ड्रॉइंग्स का होता है डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड, अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल जो किया था वो वापस आ रहा है हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास जब आता है तो हम इनवर्ड बोलते हैं, जब जाता है तो आउटवर्ड कहते हैं, तो इनवर्ड कौन सा आ सकता है, जो हमने सेल किया था, तो सेल किए हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, सेल इनकम है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा हमारा, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस, प्रीमिसेस मतलब एसेट होता है, कौन सा बैलेंस, डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, बैड डेट्स रिटन ऑफ, अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं
बैड डेट्स मतलब हमारे पैसे डूब गए हैं, तो ये कौन सा होता है, ये हमारा नुकसान होता है, तो डेबिट बैलेंस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन हमारा कोई भी प्रोविजन है मतलब कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। डन, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसमें करना है आपको क्या, आपको केवल और केवल फॉर्मेट में रखना है। आप चाहें तो इसको लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से ट्रायल बैलेंस बना के देखिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट आप मेरे साथ बता दे जाएंगे, कैश का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, कैपिटल का, क्रेडिट, परचेजेस का, डेबिट, सेल्स का, क्रेडिट, परचेस रिटर्न का, क्रेडिट, क्योंकि परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। उसी प्रकार से सेल्स जब क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट, प्रिंटिंग, डेबिट, डेटर्स, डेटर्स मतलब एसेट है हमारे, डेबिट, जितना भी इनपुट जीएसटी होगा वो डेबिट। ठीक है, ये इनपुट इनपुट इनपुट, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारा तो कौन सा होगा, डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, डेबिट, बिल्डिंग, डेबिट, फर्नीचर, डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट, पोस्टेज, डेबिट, ड्रॉइंग्स, डेबिट, सैलरीज, डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेबिट, ये क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। देखिए बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, कुछ नहीं करना है आपको, एक बार समझ में आ गया किसका डेबिट बैलेंस है किसका क्रेडिट बैलेंस है, इसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें अगर कहीं भी आपको दिक्कत जाती है तो डेफिनेटली आप फिर से एक बार पूरा लेक्चर फिर से देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज थम्स अप करें। साथ ही साथ इसी प्रकार के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं अकाउंट्स टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।